ठंड का मौसम और बर्फबारी, और ऐसे में शिमला में आपके कदम पड़ जाएं तो क्या ही कहना। लेकिन शिमला शहर की यही बर्फबारी अब सैलानियों और वहां के स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। IGMC और DDU के करीब एक दर्जन लोग बर्फ पर फिसल गए। मशोबरा के तारापुर के पास बर्फ पर फिसलने से गाड़ी सड़क के बाहर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नेपाली मूल के 5 लोगों को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेजा। दूसरी ओर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भी 7 लोग बर्फ पर फिसलने के बाद उपचार के लिए पहुंचे। DDU अस्पताल में बाहरी राज्यों से आए पर्यटक भी उपचार करवाने आए थे। DDU के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि बर्फ पर फिसलने से घायल हुए लोगों को उपचार देकर घर भेज दिया गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि जिन इलाकों में पाला पड़ा है उस क्षेत्र में रहने वाले बच्चे, बड़े और बुजुर्ग ध्यान से रहें। बर्फबारी के कारण शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं। ऐसे में रात के अंधेरे और बर्फ के कारण गिरने का खतरा ज्यादा है।